सबको लौटा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार सभी कोचिंग स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखना है। बावजूद इसके बिहार शरीफ के कई कोचिंग संचालक इन आदेश की ध्वजा उड़ाते हुए अपने कोचिंग के खुलेआम संचालन कर रहे हैं। कोचिंग खुले रहने की सूचना पर बिहार थाना के एसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद पुलिस वालों के साथ धनेश्वर घाट पहुंचे और खुले कोचिंग को बंद करवाया। साथ ही हिदायत दी कि आदेश के अनुपालन नहीं करने वाले संचालक पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कोचिंग संचालकों को चेतावनी दी कि जो भी सरकार के निर्देश है उसका पालन करें, ताकि हम इस संक्रमण से बच सके और इसके उपाय के बारे में जो निर्देश दिए गए उसके पालन करें। धन्यवाद। कि आप लोग कोचिंग खोल के रखे हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप एक शिक्षाविद हैं। सर, इसलिए कोचिंग खोला नहीं गया सर, कोचिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए खोला गया, ताकि बच्चे जो आ रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें घर दोबारा भेजा जाए। सर, ये आपका दलील सही नहीं है। व्हाट्सएप और फोन के जमाने में बच्चों को बुला के इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं। सर, बच्चे के पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन का नॉलेज नहीं है सर। नहीं, मैन टू मैन होता है ये चीज, तो आप भी एक मैसेज दीजिए लोगों को, क्या कहना चाहेंगे ऐसे परिवेश में? हम यही कहना चाहूंगा कि सारे बच्चे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी गाइडलाइन लागू किया गया है उसे फॉलो करें। आप करेंगे ना फॉलो? बिल्कुल कर रहा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है इंजीनियर निर्मल कुमार। क्लास खुला हुआ है कोचिंग तुम्हारा? अभी नोटिस तो नहीं मिला था क्लास का, शायद खुला हुआ होगा या बंद होगा। अच्छा अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो तुम? फैतेहपुर। अच्छा, किस कोचिंग में पढ़ती हो? इन्फेटिक में और पायो क्लास, सारा क्लास। क्या नाम है तुम्हारा? खुले हुए मिले हम लोग बहुत कोचिंग सेंटर में गए, करीब करीब हर कोचिंग सेंटर अपना खोल के जौन बा बच्चों को कुछ बता रहा था, कुछ समझा रहा था। हम लोग गए जाके हिदायत किए, सारा कोचिंग सेंटर को बंद कराए और घूम रहे हैं चारी तरफ जौन बा की, जो भी खुला होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी हिदायत दे के। अभी तो तत्काल हम लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे अगर कुछ होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।